हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट, मतलब बेसिक ऑफ स्क्वायर रूट पढ़ने जा रहे हैं। और साथ ही हम इसके साथ ही जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी पूछे गए हैं, उसको फाइंड आउट करेंगे। और उनके सॉल्यूशन में कैसे निकालना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो पढ़ेंगे। और जिसको अगर बेसिक मतलब ऐसा होता है कि फैक्टर्स मेथड से ही आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आता है, बट दूसरा मेथड है जो कि डिवीज़न मेथड है, जो कि डिवीज़न मेथड है, उससे सॉल्व नहीं करना आता। या फिर कई बार हम भूल जाते हैं कि हाउ टू फाइंड विद द डिवीज़न मेथड। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस डिवीज़न मेथड आल्सो। सो दिस इज़ द हेयर द डिवीज़न मेथड। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, एंड आफ्टर फॉलोइंग दिस स्टेप्स यू विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो द स्टेप वन इज़ प्लेस योर बार। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो उसके ऊपर क्या करिए, सबसे पहले तो हमारे 4 9s, इसमें 4 टर्म्स है, तो पीछे से स्टार्ट करिए बार लगाना। और जैसे आप तो आपने देखा कि 2 का पेयर बन गया, अगर मान लो इसमें 3 टर्म्स होती तो तीसरी अकेली हो जाती, पर इसमें 4 है तो 4 इस पर बार पुट अप कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसी टर्म से डिवाइड करना 40, जो फर्स्ट 2 बार्स हैं, जो क्या हो खुद भी स्क्वेयर की फॉर्म में हो, जैसे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, और नियर बाई 40 हो, 4 इंटू 4। ये क्या है, सारे स्क्वेयर्स वाली टर्म्स हैं। 5 इंटू 5, 7 इंटू 7, 8 इंटू 8, 9 इंटू 9, और 10 इंटू 10। तो अगर बात करें इस तरह की टर्म से, आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 से इसका ना स्टार्ट कर दिया, ऐसी टर्म से इसको डिवाइड करिए जो 40 के नज़दीक हो। तो आपको पता है कि 6 6 36 होते हैं, और 5 5 25, और 7 7 49, 7 7 तो ज़्यादा ही हो गए, बट अगर आप करेंगे तो 6 से कर सकते हैं आप, 6 6 36। आपको पता है -4 9 6, और आपने 6 से करा तो ये हो गया। अब क्या करना है, ये जो दो टर्म्स हैं इनको प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करना है। यहाँ पर लिख दिया, प्लस कर दो, ठीक है। प्लस करने के बाद क्या करना है, किसके साथ ऐसी टर्म लगानी है, जो 12 आए उसके साथ आपने ऐसी टर्म लगानी है। अगर आप एक्स करें तो एक से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये टर्म आ जाए, ताकि ये टर्म आ जाए, ठीक है। तो आपको अगर एक एक से करें तो आपको एक से ही नीचे भी मल्टीप्लाई, अगर आप एक लगा रहे हो ऊपर तो नीचे भी आपको एक ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेम सिमिलर वैल्यूज ये आप लगा सकते हैं, यानी किसी एक एक नंबर ऊपर लगाने, सिमिलर नंबर ही आपको नीचे लगाना पड़ेगा। अगर 2 से करें तो 2 ही नीचे आना चाहिए, 3 से करें तो 3 ही नीचे। तो आपको पता है कि 3 6 कब आएगा, जब आपका कह रहेंगे 4 से करेंगे, क्योंकि 4 4 16 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 इधर लगा दिया, 124 को अगर 4 से करेंगे, 124 को 4 से करेंगे तो 4 4 16, 4 2 8 और 9, और 4 1 4, ठीक है। तो आ गया 4 से हमने कर दिया, और ये आ गया 4 9 6, ठीक है। सो हो गया क्वेश्चंस। तो इतने इजी मेथड थे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि बार आपको क्या लगाना है इसके ऊपर, प्लेस अ बार ओवर द पेयर ऑफ डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 डिजिट 4096, यानी 4096 से। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर अंडर द लेफ्ट मोस्ट बार, यानी कि जो नंबर है आपके पास उसके ऐसा स्क्वायर फाइंड आउट करना है जो उसके क्या हो, नज़दीक हो। जैसे 2 3 4 5 6, ये क्या है, स्क्वेयर्स में टर्म्स हैं, जो इसके नज़दीक था क्या था, 36 था, 6 है, ठीक है। अब हो गया, उसके बाद जो टर्म्स आएंगे 6 और 6, इनको प्लस करो। उसके साथ भी ऐसी टर्म लगा रही है जिसका आप अगर 4 लगा रहे हैं तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 से कर दो, या 6 से कर दो, या 5 से कर दो, ठीक है। आपको ऐसी टर्म लगानी है जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करके, या जो है वो आपका जो पर्टिकुलर नंबर है वो आ जाए। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि बहुत इजी है। चाहे आप 529 का अगर फाइंड आउट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 529 मान लीजिए, आप हमारे पास 529 है, और 529 से हमने बार प्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स है। अब क्या है, 5 के नज़दीक तो 2 2 4 होते हैं, तो हमने क्या किया, 2 2 से करना स्टार्ट किया, 2 2 4, और क्या बच गया हमारे पास, 129। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, 2 और 2 कितने हो गए, 4 4 हो गया। अब हमें ऐसी वैल्यू ऐड करनी है जहाँ पर हमें 9 भी मिल जाए, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, एक परफेक्ट वैल्यू होती है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके वो टर्म आ जाए। अब हमें पता है कि 3 3 9 होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इकाई का अंक है, या वो वंस डिजिट है, ठीक है, वो उसमें 9 है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर
थ्री एड ऑन करने हैं, क्योंकि हमें पता है कि 3 3 9 होते हैं। अगर मान लो 43 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 9, 4 3 12, एंड दैट इज़ 129। सो हेयर इज योर आंसर एंड दैट इज़ 23। सो 529 का जो स्क्वेयर रूट है, ठीक है, 529 का जो स्क्वेयर रूट है वो कितना आ गया, 23। और उसी तरह ही जो 4096 है उसका स्क्वेयर रूट कितना आ गया, 64। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि स्क्वेयर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो बार पुट अप करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जो नंबर है उससे कम वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें और वो स्क्वेयर की फॉर्म में हो। ठीक है, सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं। सो हम अपने क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, एग्जांपल नंबर 6, जो कि आई थिंक प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछा गया है। सो इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वेयर? अगर 2352 एक परफेक्ट स्क्वेयर है, अगर नहीं है देन फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 एंड विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ न्यू नंबर। तो आपने क्या करना है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है तो उस नंबर को फाइंड आउट करना है जिसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए, और जो नंबर आएगा फिर आपके पास उसका आपने क्या करना है, स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करना है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमारे पास है, वी हैव, हमारे पास क्या है, 2352। हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करा। ये जो है फैक्टराइजेशन मेथड, जहाँ से हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और टिल एंड तक, जब तक कि सारे के सारे नंबर डिवाइड ना हो जाए, यानी कि 7 से 7 डिवाइड हो गए तो हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, सो ये क्या थे, इवन नंबर से, तो इवन जो है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड होते हैं तो 3 से, मे बी, और किसी ऑड, किसी अदर ऑड नंबर से। सो आप देख पा रहे हैं कि जो 2352 है उसके जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 2 2 2 3 7 7, और आप देख पा रहे हैं कि इनमें, अब स्क्वेयर रूट है तो उसमें दो दो के पेयर बनाते हैं, अगर क्यूब रूट हो तो उसमें तीन तीन के पेयर बनाते हैं। तो हमने 2 2 के पेयर इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम स्क्वेयर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। और हम जैसे ही देख रहे हैं तो 2 एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, क्योंकि साथ साथ का एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, इसमें जो 3 है वो ही एक ऐसा नंबर है जिसका खुद का अपना पेयर नहीं है। सो अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा 3 होता, सो आप देख पा रहे होंगे कि जो 2352 है उसके जो पेयर्स हैं हमारे पास वो ये आ गए हैं 3, और हमें क्या है कि एक और 3 की रिक्वायरमेंट है। और जैसे इस नंबर में हम इस 3 से एक और 3 पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2352 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा हमारे पास। सो एक परफेक्ट स्क्वेयर हमारे पास बन गया, यानी कि 7056, जब हमने 2352 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 7056 जो है एक परफेक्ट स्क्वेयर आ गया। ठीक है, 7056 एक परफेक्ट स्क्वेयर आ गया। और इसके बाद हमने पूछा गया है कि 7056 का स्क्वेयर रूट निकालिए, तो यहाँ पर तो सीधा निकाल दिया गया 84, बट हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। सेवन जीरो फाइव टू, सॉरी 56। तो आपको पता है कि दो दो के अगर हम पेयर बनाएंगे, तो दोबारा लिखते हैं, 7056, 2 2 के पेयर्स बनाना स्टार्ट कर दिया तो 7056। तो हमें पता है कि 70 के नज़दीक क्या होगा, अगर 99 करें तो 81 होगा, 8 8 जा होते हैं 64, यानी कि 8 8 जा 64, और कितने बचे, 6 5 6। ठीक है, तो उसके बाद हम इनको प्लस करेंगे, 8 8 कितने हो गए, 16। ठीक है, आपको समझ में आया, 8 8 जा 6। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने ऐसा नंबर लगाना है जिसकी वजह से क्या हो जाए, 6 5 6 हमें कम्प्लीटली मिल जाए। सो हमने क्या करा, अगर 2 को लगाएंगे यहाँ पर 2 2s हो जाएंगे 4, बट हमें क्या है, जो इकाई का अंक है या जो फर्स्ट डिजिट है, हमें वहाँ पर 6 चाहिए, 6 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 4 4 16, यानी कि हमारे पास जो है 4 आ जाएगा, यानी कि 164 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 6 5 6। सो हेयर
इज आर सॉल्यूशन दैट इज 84, यानी कि 7056 का जो स्क्वेयर रूट आएगा वो 84 आएगा, देन दैट इज अ परफेक्ट स्क्वेयर। हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि 2352 एक परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं, इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला था। अगर नहीं है तो आप इसमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल, तो इसमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल हमारे पास क्या आ गया, 3। दिस इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, सो हेयर दिस इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल 3। और जब हमने ये हमारे पास नंबर आ गया, उसका हमने क्या निकाला है, परफेक्ट स्क्वेयर, एंड दैट इज 84। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द कोशेंट इज परफेक्टली स्क्वेयर, फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द कोशेंट। हमारे पास 9408 था, इसके जो परफेक्ट स्क्वेयर हैं इनमें पेयर तो बन रहे हैं, बट एक नंबर है जो रह रहा है जिसका 3 है। और अगर हम बात करें, अगर 3 से इस नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आएगा जो कि क्या है, इसमें ये पूछा गया था मस्ट बी डिवाइडेड, तो हमें डिवाइड करना है इस बार, मल्टीप्लाई नहीं करना है। पिछली बार हमारे पास हमसे पूछा गया था स्मॉलेस्ट मल्टीपल, यानी कि हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल पूछा गया था। बट इस बार हमारे पास जो है स्मॉलेस्ट मल्टीपल ना पूछ के क्या पूछा गया है कि एक परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए, बट डिवाइड करना है हमें, डिवाइडेड कि ऐसे किस नंबर से डिवाइड करें ताकि ये जो हमारे पास कोशेंट है जो वो एक परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए। तो हमने क्या करा, जो 9408 था, 9408 को हमने 3 से डिवाइड करा। अब जैसे ही हमने 3 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया, 3136, ठीक है। सो डिवाइड करने के बाद आया, क्योंकि हमारे पास ऐसा नंबर पूछा गया था कि किस नंबर से डिवाइड करें, तो हमें कैसे पता चला, हमने फैक्टर्स निकाले और जिसका पेयर नहीं था। अब तीन ही ऐसे पेयर में ऐसा नंबर था जिसका खुद का एक अलग पेयर नहीं था, तो हमने क्या करा, 3 से उसको डिवाइड कर दिया। अब जो हमारे पास नंबर आया है 3136, उसका हमने क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वेयर निकालना है। अगर हम परफेक्ट स्क्वेयर निकालने की कोशिश करें तो 3136 का, 3136 का आपको पता है कि क्या होगा, 55। अब आपको पता है 66 तो 36 हो जाते, बट हमारे पास तो 31 है। हमने सबसे पहले क्या करा, उस पर बार पुट अप करा, 31 ही है, दिस इज द 3 31 है। हमने क्या करा, बार पुट अप करा, 5 5 25, दैट इज 636। 5 + 5 कितना हो गया, 10। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जहाँ पर हमारे पास 3 3 आ जाए, और हमें पता है कि 6 6 36 होते हैं, यानी कि 6 को अगर 6 से ही मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है उसके फर्स्ट डिजिट पर। सो 106 से अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, हमारे पास 3 जो कैरी है ऊपर, आगे 0 की वजह से हमने नीचे लिखा, और एंड दिस इज 6 6 36। सो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर आ गया वो आ गया 56। सो हेयर इज आवर रिजल्ट। तो आप क्वेश्चन, पहले दो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, दोनों क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 6 है और एग्जांपल नंबर 7 है, बोथ आर डिफरेंट। इसमें स्मॉलेस्ट मल्टीपल पूछा गया है, और इसमें मस्ट बी डिवाइडेड, ऐसा नंबर पूछा है सो दैट कोशेंट इज परफेक्ट, किससे डिवाइड करें ताकि कोशेंट जो है एक परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए। उसमें मल्टीपल था, इसमें मल्टीपल है, इसमें डिवाइडेड। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 एंड 15, यानी कि 6 9 और 15 से एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आपने फाइंड आउट करना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो ये तीन नंबर दिए गए हैं जिनसे आप जो नंबर डिवाइड हो जाए, यानी कि आपके पास एक ऐसा स्क्वेयर, स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर आना चाहिए जिसको अगर आप 6 से डिवाइड करें तो 6 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड करें तो 9 से भी हो जाए, 15 से डिवाइड करें तो 15 से भी हो जाए। सबसे पहले आपने क्या किया, जो 6 6 9 15 है, आपने उसको क्या किया, उसके जो एलसीएम निकालना स्टार्ट किया। मान लो आप एलसीएम निकाल रहे हैं, फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो आपने क्या किया, सबसे पहले उसको एलसीएम निकाला, और जो एलसीएम आया उसको आपने मल्टीप्लाई करा, जो इसके पेयर आए 2 3 3 5, इन सबको क्या आपने मल्टीप्लाई करा, और मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ गया, 90। सो अगर हम बात करें, आपने जो 90 है उसके जो फैक्टर्स आए हैं 2 3 3
फाइव, बट आप देख रहे हैं जो फाइव है और टू है उनके क्या है, पेयर नहीं है। जो फाइव और टू है, फाइव जो हमारे पास फाइव है और टू है उसके हमारे पास पेयर, फाइव और टू के हमारे पास पेयर नहीं है, यानी कि अब हमारे पास इन दोनों के पेयर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 90 आया है उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के तो पेयर्स नहीं है और हमें ऐसा नंबर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और क्या हो जाए फिर 6, 9 और 15 से डिवाइड हो जाए। सो अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्या हुआ है कि इसके बाद क्या किया गया है, जो जिनके पेयर नहीं थे फाइव और टू, फाइव टू से हो गए 10, तो 10 को जो है वो 90 से मल्टीप्लाई करा था, और दिस इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वेयर नंबर, जो हमारे पास क्या था, रिक्वायर्ड स्क्वेयर नंबर हमें मिल गया था 900। जनटेड अगर हम बात करें कि हाँ ये डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये डिवाइड हो रहा है, 906 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 15 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास जो आंसर है वो 900 है। और 900 कैसे आया, हमने सबसे पहले क्या करा, परफेक्ट स्क्वेयर्स निकालने के लिए हमने फैक्टर्स निकाले, 6, 9 और 15 के फैक्टर्स निकाले, उन फैक्टर्स में चेक करा कि किसके पेयर नहीं है, जो जिनके पेयर नहीं थे उस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए गए। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 2, 3, 3, 5 जो है वो 90 के पेयर्स आ गए, और जिन पेयर्स का क्या था, पेयर नहीं था नेक्स्ट। अब तीन तीन के तो अपने पेयर थे, दो एक पेयर तो बन रहा था, उनके पेयर में दो नंबर्स आ रहे हैं सिमिलर, बट टू है जो उसका भी पेयर नहीं बन रहा था और फाइव का भी पेयर नहीं बन रहा था, इन दोनों को क्या किया गया, उस नंबर के साथ जो हमारे पास एलसीएम आया था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया, और वो क्या आ गया हमारे पास, स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर आ गया, एंड विच इज़ डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 6, 9 एंड 15। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनको नोट डाउन करिएगा। दोस्तों अगर नेक्स्ट हम बात करें तो एग्जांपल नंबर 11, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। आपको पता है 4 डिजिट नंबर क्या होता है, हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर जो होता है, सॉरी 9, 9, 9, 9, 9, यानी कि 4 टाइम्स 9 होता है, वो क्या है, 4 ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट है। जैसे ही आपने इसका स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करना स्टार्ट करा, आपको पता है कि 2, 2 के पेयर्स बनाना स्टार्ट करे, और 99 जो था वो 81 के जो स्क्वेयर है 99 का उसके नज़दीक था, तो आपने 9 से डिवाइड करा, और फिर क्या करा, 9 प्लस 9 हो गए 18, और आपने ऐसे नंबर से डिवाइड करा क्योंकि इसके बाद तो 10 था, और ये क्या है 1899 है, और 10 से भी आप डिवाइड 10 से भी आप क्या कर 0 भी लगाते तब भी क्या आंसर नहीं आ सकता था, और आप जो है वो 9 तक ही कर सकते थे, ठीक है। तो आप जैसे आप 9 करा, सो क्या आ गया आपके पास, रिमाइंडर तो बच गया 198, क्योंकि इसके आगे तो होना नहीं था, तो आपने क्या किया, स्क्वेयर रूट तो फाइंड आउट करा, बट आपके पास जो है रिमाइंडर था वो बच गया। अब इस आपने क्या करा, जो जो आपके पास हाई ग्रेटेस्ट नंबर था 4 डिजिट का, उसमें से 198 जैसे माइनस करा तो आपके पास क्या आ गया, 9801, और जो 9801 है वो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर है 99 का, यानी कि दिस मीन्स इफ वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर वी गेट अ परफेक्ट स्क्वेयर। जैसे हमने जिस इस नंबर 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर था उसमें से रिमाइंडर माइनस करा तो हमें क्या मिल गया, एक परफेक्ट स्क्वेयर, और जो कि हमसे पूछा गया था। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपने क्या करा कि आपके पास परफेक्ट स्क्वेयर तो मिला नहीं, बट आपके पास जो रिमाइंडर बचा, अगर आपने वो क्या किया, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा था, एक्स्ट्रा चीज़ को आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, एक परफेक्ट स्क्वेयर, ठीक है। आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता चला, क्योंकि 198 एक्स्ट्रा था, ये तभी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता था, आप इसको माइनस कर दें 198 को। अब मान लो आपको पता है कि 5, 5 जो है स्क्वायर रूट है 25, अब आप 30 कर दें आप, तो आपको पता है कि 5 एक्स्ट्रा हो रहे हैं, जैसे आप उस रिमाइंडर को आपको 30 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि 5, 5 जो 25 हो जाएंगे। मान लो क्वेश्चन क्या हुआ, आपके पास दिया गया था 30, आपने 5 से करा, 5, 5 जो 25, आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 5, और जैसे आप इस रिमाइंडर को जो आपके पास नंबर था उससे माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वेयर। सो आपको मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा कि यही क्वेश्चन था, हमारे पास एक नंबर दिया गया था बट वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं था क्योंकि उसमें रिमाइंडर बच गया, और जैसे हमने रिमाइंडर को माइनस कर दिया उस नंबर से तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वेयर आ गया है, यही हमारे पास क्वेश्चन था।
ठीक है, तो यही हमारे पास क्वेश्चन। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की, सो इसमें आपने लीस्ट नंबर फाइंड आउट, ऐसा अच्छा कम से कम नंबर फाइंड आउट करना है कि आप 1300 में ऐड करें तो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वेयर आ जाए। और जैसे ही आपने इसका परफेक्ट स्क्वेयर निकालना स्टार्ट करा तो आपके पता है 3 3 9, क्योंकि 4 4 16 हो जाने थे। और जैसे आपने 3 से डिवाइड किया तो 9, और फिर ये जो आगे 400, और 3 + 3 हो गए 6, और आपने फिर 6 से ही करा क्योंकि 7 से ये एक्स्ट्रा हो जा रहा था, क्योंकि 396 तो यहीं पर हो जा रहा था। अब आपको पता चल गया कि रिमाइंडर 4, यानी कि जो 1300 से 4 अगर हम कम करते हैं तो एक परफेक्ट, यानी कि 1296 जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर आएगा। ठीक है, यानी कि जो 1300 है से क्या है वो कम है, 1300 से कम है 36 का स्क्वेयर। और आज जैसे आपने नेक्स्ट, आपको पता चल गया कि 36 का 1296 आ रहा है। 1296 मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि मैंने 1300 से माइनस कर दिया 4, और फिर क्या आ गया 1296, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। और हमें नेक्स्ट भी पता चल गया, क्योंकि अगर हम 37 का स्क्वेयर जो है वो 61369 है। ठीक है, तो 1300 से कितना ज़्यादा है, 69। समझ में आया आपको? क्वेश्चन ये था कि लिस्ट नंबर आपको ऐसे कम से कम नंबर फाइंड आउट करना था ताकि इसको 1300 में ऐड करें। ठीक है, वी मस्ट एडेड टू दी 1300 सो वी गेट अ परफेक्ट स्क्वेयर। तो हमें क्या एक परफेक्ट स्क्वेयर मिल जाए। और जैसे हमने परफेक्ट स्क्वेयर फाइंड आउट करना चाह, तो हमें पास 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 तो रिमाइंडर 4 आ गया। और रिमाइंडर क्या है, क्योंकि एक्स्ट्रा और ये चीज़, क्योंकि इससे पहले स्क्वेयर रूट, तो हमने 4 माइनस कर, हमें पता चल गया 1296 पर 36 का स्क्वेयर रूट है, और ये 1300 से कम है। और उसके बाद हम पास, हमें पता चले कि 36 है, तो नेक्स्ट टर्म 37 का स्क्वेयर होगी। 37 का स्क्वेयर कितना होता है, 1369। ठीक है, 1369 होता है। तो हमने क्या करा, जो 36 के जो 1300 थे उसमें से 37 का स्क्वेयर माइनस करा, क्योंकि हमें 1300 से पूछा है ना कि 1296 से पूछा है, यानी कि 1296 से नहीं पूछा गया है। तो हमने क्या करा, उन दोनों को माइनस कर दिया, और हमारे पास क्या आ गया, 69। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।